हेलो एवरीवन, क्या आपके घर पे भी पुराने मोबाइल पड़े हुए हैं? तो क्यों ना इसे सीसीटीवी कैमरे के जैसे यूज़ किया जाए और आप दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर लाइव देख सके जो कुछ भी हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने पुराने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे के जैसे यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में मेरा पुराना मोबाइल है जिसको मैं कैमरे की तरह यूज़ करूँगा, और राइट साइड में मेरा नया मोबाइल है जिसको मैं व्यूअर की तरह यूज़ करूँगा। तो दोनों मोबाइल में भी मैंने एल्फ्रेड कैमरे का ऐप डाउनलोड किया हो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हो, वहाँ पर भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी मैं दोनों मोबाइल पर ऐप ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि आपको एक ही ईमेल आईडी से दोनों मोबाइल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के बाद आपको दोनों मोबाइल पे ये वाली मेन स्क्रीन दिखेंगी, और ऊपर आप देख सकते हो कनेक्टिंग करके दिखा रहा है। तो कनेक्टिंग होने तक वेट कीजिए। ओके, तो हमारा दोनों मोबाइल पे भी कनेक्टेड हो चुका है। तो ऊपर लेफ्ट साइड में दोनों मोबाइल पे व्यूअर करके दिखा रहा है, पर मुझे पुराने मोबाइल को कैमरा बनाना है और नए मोबाइल को व्यूअर बनाना है। तो उसके लिए आप पुराने मोबाइल पर व्यूअर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कैमरा पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से परमिशन पूछेगा माइक्रोफोन की, तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से अलाउ पे क्लिक कीजिए रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा पुराना मोबाइल एक सीसीटीवी कैमरे के जैसे बन गया है, और मैं अपने नए मोबाइल से कहीं भी बैठकर लाइव देख सकता हूँ जो भी कुछ हो रहा है। सिर्फ आपके दोनों मोबाइल को इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आप मेरे पुराने मोबाइल पे देख सकते हो नीचे टिप्स ऑन प्लेसिंग कैमरा लिखा हुआ है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे टिप्स मिलेंगे कैसे आपको कैमरा रखना है। और उसमें आपको और एक चीज़ मिलेंगी कि अगर आपके पास एक ही मोबाइल है तो उसको आप कैमरे के तरह कैसे यूज़ करें, और आप अपने कंप्यूटर पे से लाइव देख सकते हो जो भी कुछ हो रहा है। उसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको फ्रंट कैमरा यूज़ करना है या बैक कैमरा। उसके बाद है मोशन डिटेक्शन। अगर आप मोशन डिटेक्शन ऑन करोगे तो आपके जो भी मूवमेंट हो जाएगा कैमरे के सामने, तो आपको नए मोबाइल पे शो करेगा कि ऐसे ऐसे मूवमेंट हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने कैमरे के सामने हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, नए मोबाइल पे शो कर रहा है कि कुछ तो कैमरे के सामने मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद है पावर सेविंग मोड। अगर इसको आप ऑन करोगे तो आपकी मेन स्क्रीन बंद हो जाएंगी, लेकिन बैकग्राउंड में कैमरा रिकॉर्ड होते रहेगा। तो नए मोबाइल में आप ऑप्शन देख सकते हो नीचे टॉक का है, अगर आप टॉक पे क्लिक कर जो भी कुछ बोलोगे तो आपके पुराने मोबाइल का स्पीकर ऑन हो जाएगा, और जो भी आप कुछ बोलोगे वो वहाँ सुनने आ जाएगा। उसके बाद है रिकॉर्ड। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होंगी तो लाइक कीजिए, और कुछ क्वेरी तो कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।